जी सारों को दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम आपको फोल्डिंग स्टडी टेबल बनाना दिखाएंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें जी। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आप देख सकें।
जी तो दोस्तों ये पोर्टेबल स्टडी टेबल है, इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं बआसानी। ये देखें, इसको ऐसे खोल के आप इसको ख़ुद ही लगा सकते हैं। जी तो ये जो पोर्टेबल स्टडी टेबल है, इसको कंप्यूटर टेबल भी कह सकते हैं, ये आप ख़ुद घर पे इसकी फिटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें, इसको ऐसे आपने रखा और देखें, घरों में लेवल नहीं होते, इसलिए लेवल करने के लिए आप घर में कोई भी ऐसी गोल वाली चीज़ ले के इसका लेवल कर सकते हैं। हमने ग्लास का इस्तेमाल किया है, आप बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो ये देखें, ये स्टील के कील हैं, हम आपको ये कीलों से इसको टेबल को लगा कर दिखाएंगे, इसलिए कि दोस्तों हमारे अक्सर घरों में ड्रिल नहीं होती, आप बआसानी इसको लगा सकते हैं। अगर आपके पास ड्रिल है तो ड्रिल का इस्तेमाल भी हो सकता है। जी तो ये पट्टी है जो इसके रैक के नीचे लगनी है, ये इस तरीके के साथ आपने इसको ऐसे स्क्रू लगा देने हैं। ये पट्टी लगने के बाद हमने इसको उठाया और ये इसकी सपोर्ट इसके नीचे आ गई और इसके नीचे एक खाना और हमें मिल गया, ये स्पेस जो मिल गई है। और इसी तरह दोस्तों हम ऊपर इसके क्लिप जो लगे हुए हैं उस पर इस तरह निशान लगाएंगे। कील लगाएंगे और ऐसे इसको हैंग कर देंगे। ये तो देखिए दोस्तों, इस तरह अब ये हमारा रैक भी हैंग हो गया है और नीचे टेबल भी हमारी फिक्स हो गई है। ये कम से कम जगह को घेरता है जिसमें आपको ये बुक्स रैक भी दिया गया है और स्टडी टेबल के लिए कंप्यूटर टेबल के लिए टेबल भी। जी तो दोस्तों देखा आपने ये फोल्डिंग स्टडी टेबल, देखें ये अपनी जगह पे आ गया, उसी जगह को जितनी जगह आपके पास थी, जब भी आपने कोई कंप्यूटर पे काम करना है को ऐसे खोला और उसके बाद आपने इस पर स्टडी की, कंप्यूटर पे काम किया।
और दोबारा उसी तरह उसको दोबारा फोल्ड किया और इसको वॉल के साथ इसको लगा दिया। तो दोस्तों ये देखें, थोड़ी जगह के लिए जहाँ पे जगह कम होती है ये उस पे आपका ये छोटा सा स्मॉल सा स्टडी टेबल लग सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट कीजिए।